बॉलीवुड से शॉकिंग खबर सामने आ रही है। बॉलीवुड की कई सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुके एक्टर मिथिलेश चतुर्वेदी का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि मिथिलेश चतुर्वेदी ने 3 अगस्त की शाम लखनऊ में आखिरी सांस ली है। मिथिलेश चतुर्वेदी हार्ट संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। रिपोर्ट्स की माने तो कुछ टाइम पहले ही एक्टर को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें उनके होम टाउन लखनऊ में शिफ्ट किया गया था ताकि उनकी सेहत की देखभाल की जा सके। क्रेजी 4 और कोई मिल गया में मिथिलेश चतुर्वेदी के साथ काम कर चुके डायरेक्टर जयदीप सेन ने उनके निधन की जानकारी दी है। उन्होंने बातचीत में बताया कि मिथिलेश चतुर्वेदी को कुछ दिनों पहले ही हार्ट अटैक आया था, इसलिए रिकवर होने के लिए उन्हें होम टाउन लखनऊ लाया गया। वहीं 3 अगस्त की शाम को उनका निधन हो गया। जयदीप ने बताया है कि मिथिलेश जी के साथ मेरा बहुत करीबी रिश्ता था। कोई मिल गया और क्रेजी 4 में मुझे उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला। क्रेजी 4 में बतौर निर्देशक मेरी पहली फिल्म थी। बहुत दुख होता है जब आप किसी को इतने करीब से जानते हो, उनके साथ काम किया हो, उनके हुनर और प्रतिभा को करीब से इस्तेमाल किया हो। ऐसे अच्छे इंसान जब दुनिया से चले जाते हैं तो काफी दुख होता है। मिथिलेश चतुर्वेदी बॉलीवुड के जाने माने एक्टर हैं और उन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया है। मिथिलेश चतुर्वेदी ने 97 में आई फिल्म भाई भाई से बॉलीवुड डेब्यू किया। इसके बाद वो सत्या, ताल, फिजा, रोड, कोई मिल गया, बंटी बबली जैसी बड़ी फिल्मों का हिस्सा रहे हैं। इन फिल्मों में निभाए अलग किरदारों के बलबूते मिथिलेश चतुर्वेदी ने अपनी अलग पहचान बनाई। 2020 में वो वेब सीरीज स्कैम 92 में भी नजर आए थे। मिथिलेश चतुर्वेदी फिलहाल एक फिल्म पर भी काम कर रहे थे जो अभी तक रिलीज नहीं हुई है। मिथिलेश चतुर्वेदी के निधन की खबर आने के बाद बॉलीवुड में शोक पसरा है और लोग मिथिलेश चतुर्वेदी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं।